हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं एल्विश के व्लॉग पे आज रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो का टाइटल है नए घर का इंटीरियर डिज़ाइन कर दिया। तो लास्ट मैंने जब उनका व्लॉग पे रिएक्शन वीडियो बनाई थी वो तब थी जब वो बिग बॉस हाउस में जाने वाले थे और उनका घर का कंस्ट्रक्शन रेडी हो रहा था। उसके बाद से मैंने कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई। बीच में गानों पर बनाया था बट व्लॉग पर नहीं बनाई। आई थिंक एक व्लॉग में बनाया था। सो बहुत टाइम के बाद मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। आई रियली होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ कीर्ति चंद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और गाइज अगर बीच में आपको कोई व्लॉग का मेरा रिएक्शन वीडियो देखना है, कोई भी व्लॉग आपको लगता है कि इस पर बहुत अच्छे रिएक्शन आएंगे, आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके लेट्स प्ले। इंटीरियर का सारा काम हमारे दिनेश भाई संभाल रहे हैं। भाई साहब मैंने एक पॉडकास्ट में ही बोला है, वैसे ही बोल रखा कि ये क्या कर रहे हैं। राम राम भाई, सभी को वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हमारे राजघराने से दिनेश भाई आ रहे हैं जी। राम राम सभी को। दिनेश भाई ने नया चैनल, मैंने सजेस्ट करा दिनेश भाई को कि आप भाई व्लॉगिंग स्टार्ट करो क्योंकि भाई बहुत मजाक के आदमी है। तो वो मजाक अगर दुनिया के साथ शेयर करोगे तो दुनिया भी खुश होगी भाई। जी भाई। yes. तो भाई का चैनल खुलवा दूं yes और no, एक बार कमेंट करके जरूर yes. बताना भाई इस वाले व्लॉग पे। बाकी इनका चैनल का नाम होगा वो अभी बताऊंगा ना, तो और लोग कॉपी कर लेंगे आपसे पहले, समझ रहे हो। तो भाई का नाम कुछ होगा गलत सा मैं सोचूंगा अभी, और रोज तो नहीं भाई के हफ्ते में तीन व्लॉग डलवाऊंगा मैं। तो भाई कर दो फिर शुरू। कर दिया दोनों भाई, फिर जिम भी शुरू कर देंगे इकट्ठे ही। और ब्लॉगिंग आप भाई एक्टिव हो जाएंगे तो मैं भी एक्टिव हो जाऊंगा। और बताओ बाकी बात है डन गाइस। दिनेश भाई का चैनल देखना अभी कुछ घंटों में। मे बी ओ भीगी भीगी रातें ये मत डाल बस। भाई बढ़िया तो कह रहे हो, वो भीगी भीगी रातें ना मैं जानूं कैसा है ये मौसम कोई ना जाने। भाई सेंटी ने तो गाने बजा लिए। अलग ही सेंटी है भाई। सारे भाई भाई और सारे तबाई तबाई बहुत जरूरी, उसको अटेंड करना आज। भाई बॉयज जा रहे हैं। बॉयज किधर जा रहे हैं? बॉयज घर आज जा रहे हैं भाई साहब, नए वाले घर पे। एक भाई आ रखे हैं हमारे इंटीरियर करने वाले, उससे मेरे को आइडिया लेना है okay. कि इंटीरियर कैसा होना चाहिए, मतलब कि कैसा कैसा हम लोग अपने नए वाले घर में कलाकारी कर सकते हैं, मतलब मेरे कमरे में बेसिकली मैं का थोड़ा ज्ञान हो। हमें तो पता नहीं कि कहीं भी लाके सोफे टेक दिए, कहीं भी बेड टेक दिया, उनको ज्यादा आइडिया होता है इंटीरियर वाले को। क्यों दिनेश जी? Yes. दिनेश जी खुद एक वो है इंटीरियर डिजाइनर बहुत बड़े, इनसे करवा नहीं रहा, वो ज्यादा महंगे हैं। आइयो देखो फुल मौज, महंगी महंगी बातचीत। लो भाई अपनी बालकनी में आ रखे हैं अभी तो मैं। wow. भाई अंदर मीटिंग चल रही है, पूरा डिसाइड हो रहा क्या होगा क्या नहीं, इसको हटवा रहे हैं हम। यहाँ पे लगेगा एक आर्ट वर्क बड़ा, ये क्या है यार, ये समझ नहीं आया, इसको हटाएंगे। इधर तो चलो सही है, स्पेशियस है। कैसा लग रहा है सेंटी भाई घर? पहली बार आए हो घर पे? हाँ, पहली बार। बहुत प्यारा घर, मैंने भी पहली बार देखा है पूरा प्रॉपर। इसमें अभी चेंजेस करके ना मौज आ जाएगी। सही है ना भाई चेंजेस? इंटीरियर का सारा काम हमारे दिनेश भाई संभाल रहे हैं और भाई के साथ मिलके संभाल रहे हैं। और ये मैम भी आ रही है इनके साथ ही, भाई के साथ ही। मौज है भाई। वाओ कितना सुंदर। ये भाई का बार देख लो खाली बिल्कुल। मेरे को तो ये बहुत बढ़िया लगी जो ये वाली है ना, ये अमेजिंग। और मेरे कमरे का भी बेड सब चेंज कराऊंगा, ये मुझे मजा नहीं आया इसमें। ये जो पीछे का है ना इसमें बिल्कुल मजा नहीं आया, इसको दोबारा कराएंगे कुछ बढ़िया। ये तो चलो ठीक है, टीवी भी अच्छा लग रहा है। अभी तो बहुत चीजें होंगी यहाँ पे, सोफा वोफा आएगा, देखते हैं उसकी ना कलाकारी। और जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हमने रखा है तो वॉशरूम दबा दें, इससे क्या है बंद हो गई, इससे क्या होगा पता ही नहीं लगेगा। वॉल्स अच्छी हो सकती है और इससे पता ही नहीं लगेगा कि भाई साहब वॉशरूम का है एकदम से। भाई वॉशरूम किधर है? वॉशरूम किधर है? और ले ले और ओके इधर, मुझे भी नहीं पता लगा एक बारी को। देखो वॉशरूम बढ़िया है, मोटा दरवाजा है। वॉशरूम में पानी स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने फवारा चला दिया सारा पानी में गीला हो गया, मैं थोड़ा सा मैं हटाता भी। दिनेश भाई पब्लिक आपको रॉ देखना चाहती है, रॉ आईएसआई
मोसाद भाई ये जतिन जी हैं, जतिन जी अभी इशारे कर रहे कि दिनेश भाई को बोलो अपने कपड़े उतार दे। दिनेश भाई अगर बॉडी दिखा दी, दिनेश भाई बता देना क्या पागल हो जाएगी दुनिया। बॉडी शेम कर रहे हैं भाई, बॉडी शेम करूंगा मैं आपको। ये भाई कर रहे हैं भाई, क्या बात होगी बेना ने मैं जतिन भाई जतिन भाई वाला मास्क पहन लो, ये वाला मुंह छुपा रहा भाई, ये समझ नहीं आई भाई, इतनी बढ़िया शक्ल आपकी, मुंह छुपाने लायक है भाई हमारे इतने बड़े शेफ हैं, कितने बड़े शेफ बता हमें, बहुत बड़ा शेफ है। अभी बन रही है और अभी बन रही है वर्ल्ड स्पेशल गार्लिक मैगी, आप खाओगे तो उसका पहला वो मैंने पार्ट यहाँ पे कर दिया है, जो मैगी उबालने वाला ये मैं कर दिया, बाकी मसाले मसूले का और ये नीचे ये भी काट दिए हमारे छोटू भाई ने, कहा गए ये रे अभी पूरा प्रबंध कर खाओगे गार्लिक मैगी, हर जगह आ गए हैं। अभी मसाले रिता लेता हूँ, उसके बाद करते हैं आगे की बातचीत, बाय, या फिर यहीं रहोगे, चलो टाइम लैप्स देख लो। फाइनल हमारी लुक आ रही है, मेरे को अभी पता लगा कि जो हमने मैगी खाई है वो मैगी नहीं है, वो यिप्पे यिप्पी नूडल्स। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया कलर आया है इसमें, हमने धनिया भी डाला है और एक बार और घूमी, बस ओ माय गॉड यार क्या ही बना दिया ये भीम भाई, आप पे जाएगी इसकी सारा क्रेडिट, अच्छा बुरा सब चीज का। ये भाई साहब मैंने एक पॉडकास्ट में भी बोला है, वैसे ही बोल रखा कि मेरे को अपने हाथों का खाना खिलाना लोगों को अच्छा लगता है, यू गेटिंग मी, और उस चीज को हम लिटरली लेके गए हैं नेक्स्ट स्टेज पे। दिस इज माई स्पेशलिटी गार्लिक मैगी, अच्छा मौज, पर ये गार्लिक यिप्पी, दिस इज नॉट गार्लिक मैगी, दिस इज गार्लिक यिप्पी। एक सेकेंड, इसमें थोड़ी कम रह गई, एक काम करते हैं इसमें से थोड़ी दे देते हैं इसको। नया फैशन फैला दिया फैला दो देखा यार तू उंगली मत कर यार, ये सब करते काटा दियो छोटू, काटा दियो भाई, रेडी रेडी है काटा ही, जतिन भाई लेके आ रहे हैं यार हम लोग, टेस्ट बेइज्जती हो जाए हमारे, भाई सब पागल हो जाएगा आदमी अपना, भाई नींबू है नींबू मुंह में पानी आ गया देख कर, ऐसा लग रहा है कुछ दवाई मिला रहे जमाल गोटा भाई, ये दो छोटू भाई कहाँ हैं, छोटू भाई लेके आ जाना इसको, आ जाओ छोटू भाई। गाइस एक बार मल्होत्रा जी को सारे भाई हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे मल्होत्रा जी, हैप्पी बर्थडे सभी भाइयों की तरफ से, पूरी एलविश आर्मी की तरफ से, जो आपने हमारी बागडोर संभाल रखी है उसकी बहुत-बहुत, हरियाणवी इंटर्स के कोच साहब जी, हरियाणवी इंटर्स की तरफ से भाई आपको शुभकामनाएं, और कितने साल के हो गए मल्होत्रा जी, असली वाला बताओ भाई, अभी 31 साल के हुए, 37 नहीं 31 भाई, आपने मूंछ कुछ करवाया क्या, कुछ तो करा रखा है, करवाया कुछ नहीं, हो गई भाई साहब बढ़िया लग रही है, पर नई चीजें ट्राई करते रहना चाहिए, इसमें आप ऐसे लग रहे हो पोपाई द सेलर मैन, साउथ इंडियन टाइप, साउथ इंडियन बिजनेसमैन टाइप, पोपाई लग रहा मुझे, थोड़ी देर के लिए मैं, या मोतीचूर के लड्डू ला रखे हैं आपके लिए, दूध का बिजनेस भाई, दूध के बिजनेस के बारे में आपको बताऊंगा अभी, दूध निकालें किसका कर क्या रहे हैं लोग, हम बर्थडे बॉय के साथ भाई साहब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भाई को उठाने का, भाई
सिर्फ उंगलियों से हम लोग उठा देंगे, फैन थोड़ा ऐसे इधर रहना, ये ठीक है, उंगलियों से थोड़ा हाई कोल करा, थोड़ा बिल्कुल ये धीरा छोड़ दो, बिल्कुल शुरू करें मुझे यही लग रहा है मारेंगे मारेंगे पक्का मारेंगे बैलेंस खो दिया भाई, आप कितने उठाए हमने भाई, बहुत उठा दिया ऊपर तक तो, आपको लग रहा था उंगली से चार जने, आपको वीडियो दिखाऊं मैं वाली, तब आप हमारे एफर्ट जीरो, हाँ एफर्ट जीरो, मम्मी का समय एफर्ट बिल्कुल जीरो भाई, माँ कसम सच बता रहे भाई, बताना कितना जोर लगाया हमने, बिल्कुल भी नहीं लगाया, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया, और आप उठे नहीं, भाई मेरे को पता नहीं, बहुत ऊपर उठ गए भाई, इसके पीछे साइंस है, हमने 1958 में चुड़ैलो से सीखी है, वो हम बता नहीं सकते, नहीं तो चुड़ैल पीछे लग जाएगी, चुड़ैलो से याद है, देखो चुड़ैल सॉरी है, ये ले लिए क्या, ओले से हाय टू द कैमरा, और अब कैमरा कौन सी है, सो रहा बेब, से हाय टू द कैमरा, कम ऑन, सोने दो भैया मुझे, इसके जिस जो जो लड़कियां इसके किसी करना चाहती हैं, लो मैं कर रहा हूँ उसकी साइड, अपना गाल लगा लिया एकदम से आगे, किसेस गाइस, मजा आता है एल्विश की वीडियोस देखने में, कुछ भी बोलो, अच्छा था इंटीरियर, मुझे ऐसा लगता है जो इनका रूम है उस रूम में इनकी जो वॉल्स है उनकी वॉल्स बहुत ही बेसिक लग रही है, बहुत ज़्यादा बेसिक, उसमें बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे टीवी वाले एरिया में जैसे पीवीसी पैनल्स लगाए हुए ना वैसा सा कुछ, या फिर कुछ भी डिफरेंट सा थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, मतलब बहुत बोरिंग सा लग रहा है अभी बेडरूम, हाँ जैसे वॉशरूम है, वॉशरूम बाथरूम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं ठीक है, लेकिन हाँ अगर रूम का किसी से इंटीरियर कराया तो बहुत तगड़ा लगेगा, वो जो जहाँ पे विंडो है वो जगह बहुत अच्छी है, उसको बहुत क्रिएटिविटी उसमें करी जा सकती है, बालकनी बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा घर है, बहुत सुंदर है, और ये जो मैगी बनाई थी, मैगी नहीं सॉरी यिप्पी नूडल्स बनाए थे, ये वाला जो चल रहा है अभी मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने कुछ व्लॉग्स मिस कर दिए हैं, तो ये नया आई थिंक उनका कुकिंग का कुछ शो चलने लग गया व्लॉग में, तो तगड़ा था, मज़ा आया देखने में, और एज़ यूजुअल बहुत फ़नी होते हैं इनके व्लॉग्स, मज़ा आता है देखने में, और अब तो एल्विश रूडीज़ में भी आ रहे हैं एज अ गैंग लीडर, आज ही मैंने देखा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बहुत मज़ा आने वाला है रोडीज़ में, पहले मुझे लगा जब मैंने पोस्ट देखी, मैंने कहा रोडीज़ का ऑडिशन, फिर मैंने कहा रोडीज़ का ऑडिशन क्यों देंगे, मतलब पता नहीं है ना भैया वो कुछ भी कर सकते हैं, बाद में देखा तो एज अ गैंग लीडर जा रहे हैं, मज़ा आएगा, सो बस यही था आज का रिएक्शन वीडियो, आई रियली होप आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और गाइज कोई भी इनका कोई व्लॉग है जो मैंने मिस कर दिया जो बहुत ही अमेजिंग था, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, मैं ज़रूर उस पर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।